ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मकर राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, 2 मई 2023 की दोपहर में 1:46 पर शुक्र वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं, मित्र राशि में प्रवेश करने वाले हैं और 30 मई 2023 तक शुक्र मिथुन राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इसका मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा असर दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो शुक्र के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार सभी नवग्रहों में शुक्र को एक शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि इनके ही प्रभाव से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्र को वृषभ और तुला राशि का स्वामी माना जाता है। एक राशि में शुक्र 23 दिनों तक गोचर करते हैं। शुक्र को दाम्पत्य सुख का, कला प्रतिभा सौंदर्य का, प्रेम जीवन का, वैवाहिक जीवन का, गृहस्थ सुख का, रेशमी वस्त्रों का, चटपटे भोजन का कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर शुक्र का विशेष आधिपत्य होता है। शुक्र की स्थितियां यदि जन्म कुंडली पर अनुकूल और मजबूत हो तो कई प्रकार की सफलता जीवन में देखने के लिए मिलती है। शुक्र बलि हो तो जातक अपने वाणी की मिठास और अपने शरीर की सुंदरता के द्वारा, व्यक्तित्व के आकर्षण के द्वारा विपरीत लिंग को आकर्षित करने में सफल होता है। शुक्र अनुकूल हो तो हर प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख जातक को प्राप्त होता है। शुक्र बलि हो तो संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, इन क्षेत्रों में जातक की गहरी रुचि उत्पन्न होती है और कम प्रयासों में भी सफलता देखने के लिए मिलती है। शुक्र बलि हो तो जीवन में वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है। वही कमजोर शुक्र के प्रभाव से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वैवाहिक जीवन में समस्या, यौन जनित बीमारी और आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। तो भाई, हम आपको बताते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। यह जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र आपके संतान भाव और कर्म भाव के स्वामी बनते हैं, जो 2 मई को आपके राशि के छठवें भाव पर प्रवेश करने वाले हैं। राशि के छठवें भाव से रोग, ऋण, शत्रुओं के बारे में, नौकरी के बारे में, मुकदमेबाजी के बारे में विचार करते हैं। तो यह परिवर्तन आपके जीवन में मिला जुला प्रभाव डाल रहा है। कर्म क्षेत्र के मामले में सबसे पहले सकारात्मक बदलाव आपको देखने के लिए मिलने वाला है। यदि किसी प्रकार के सरकारी क्षेत्रों में या प्राइवेट सेक्टर में जुड़कर यदि आप काम कर रहे हैं और यदि आप प्रमोशन जैसी स्थिति को लेकर चल रहे हैं, इसमें आपको सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आप शुक्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे का संचालन करते हैं या व्यापारिक जीवन में आपका जुड़ाव है, तो यह समय आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। विदेशों में जुड़े हुए मकर राशि वाले जातकों के लिए, मकर राशि के ऐसे जातक जिनका कोई भी कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ा हुआ है, उनके जीवन में बड़ी सफलता की संभावना मिलने वाली है। विद्यार्थी जीवन में यदि आपका जुड़ाव है और परीक्षा प्रतियोगिता की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। शुक्र आपके राशि के पंचम भाव के स्वामी बनते हैं,
तो इस समयावधि में मकर राशि के जातकों को संतान पक्ष को लेकर सावधानी बनानी चाहिए। संतान की सेहत को लेकर नकारात्मकता देखने के लिए मिल सकती है। शुक्र आपके राशि के छठवें भाव पर गुजर कर रहे हैं, तो आर्थिक जीवन के मामले में कर्ज देने और कर्ज लेने से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। 10 मई तक मंगल और शुक्र की युति आपके राशि के छठवें भाव पर बनी हुई है, इसलिए वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। और मकर राशि के जातकों को खान पान की आदत पर भी विशेष ध्यान रख कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तले भुने भोज्य पदार्थों को खाने से बचें। शराब, धूम्रपान और मांसाहार जैसे विषयों से भी आपको बचना चाहिए। तो इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में शुक्र के परिवर्तन के फलस्वरूप देखने के लिए मिलने वाला है। उपाय की जानकारी दिया जाए, शुक्र को अनुकूल और मजबूत करने के लिए माताओं बहनों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलें। किसी प्रकार का निरादर करने से बचें। माता लक्ष्मी की बैठी हुई प्रतिमा के सामने शुक्रवार के दिन यदि आप खीर का भोग लगाकर श्री सूक्त का यदि आप पाठ करते हैं तो बेहतर स्थिति आपको देखने के लिए मिलने वाली है। शुक्र को मजबूत करने के लिए सफेद चीजों का दान करना बेहतर रहेगा, जिसमें शक्कर, चावल, दुग्ध, इन चीजों का दान जरूरतमंद लोगों में जरूर करें। उम्मीद है यह जानकारी मकर राशि के जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़े। ओम नमः शिवाय।